जहां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पक्के धरने लगाकर बैठे हैं, वहीं गन्ने की बकाया राशि के जारी करने व फसल का मूल्य 400 करने की मांग को लेकर पक्का धरना लगाने की तैयारी किसानों ने कर दी है। 20 अगस्त को किसान बड़े स्तर पर इकट्ठा होकर धन्नोवाली फाटक नज़दीक अमृतसर दिल्ली हाईवे को जाम करेंगे और ये धरना निरंतर जारी रहेगा। कैमरामैन हार्दिक के साथ पूजा की रिपोर्ट। जलंधर प्रेस क्लब विखे जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, साडा मुख एजेंडा जिहड़ा है वह गन्ने दे रेट नूं लैके है कि जिहड़ा पिछले 5 सालों तो पंजाब सरकार ने गन्ने दे रेट दे विच वाधा कोई नहीं किया। साडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किते दी किते वध गई आ, खर्चे वध गए, डीजल वध गया, मशीनरी दे रेट वध गए, पर सरकार जिहड़ी आ चुप्पी साध के बैठी है, जदके नाल दे सूबियां दे विच साडे तो रेट किते ज़्यादा है। हरियाणा की सरकार ने पिछले साल 350 दिता, सानू ये 310 दे रहे हैं और इस बार उन्होंने 8 रुपए होर वाधा करता, 358 रुपए रेट करता हरियाणा सरकार ने। साडा हमेशा ही अगे कुछ साल पहला साडा हमेशा ही रेट जिहड़ा नाल दे सूबियां तों उपर हुंदा सी, क्योंकि पंजाब की जिहड़ी रिकवरी वध है, खंड की रिकवरी वध है, इस करके साडी डिमांड है 400 रुपया रेट दिता जाए। और साडा पिछला बकाया जिहड़ा खड़ा है, पिछले दो सीजनां दा बकाया खड़ा मिलां वाला, और साडा जिहड़ा बकाया 200 करोड़ भी तुरंत रिलीज़ किया जाए। अगर वह नहीं किया जाता तो फिर असी जिहड़ा आ मजबूरन पंजाब दीआं सारी जथेबंदियां ने सलाह करके, 32 दीआं 32 ने सलाह करके 20 अगस्त नूं धन्नोवाली जिहड़ा जलंधर धन्नोवाली फाटक है वो नज़दीक नैशनल हाईवे जिहड़ा है वो उपर धरना लाने का फैसला किया। जेकर सरकार साडी वाह नहीं फड़दी तो फिर वो पूरा रोड बंद किया जाएगा, नैशनल हाईवे पूर्ण बंद किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार चुप्पी साध के रखती है तो फिर रेलवे ट्रैक भी बंद किया जाएगा। सो इस करके विचार के उत्थे असीं रखिया जी, असीं पहला जी हाईवे बंद करांगे, जे सरकार साडी उस दिन आके गल नहीं सुनदी फिर उसी दिन बंद करांगे। यह अणमिथे समय लिए होएगा, क्योंकि जिन्ना चिर सरकार गन्ने के रेट का साडी मंग के मुताबिक रेट का वाधा नहीं करते उन्ना चिर असीं बिल्कुल नहीं खोलांगे। साडी मंग है कि हरियाणा का जिहड़ा रेट है वो तो सानूं उपर रेट दिता जाए, साडी 400 रुपया डिमांड है, साडी डिमांड के मुताबिक जिन्ना चिर रेट नहीं दिता जाता उन्ना चिर बिल्कुल नहीं छड्डांगे। पिछला बकाया साडा 200 करोड़ है, जिहदे विचों 55 करोड़ सहकारी मिलों वाला जिहड़ा सरकार ने देना है, जिहड़ी सरकार बहुत डींगा मारदी है। हाले तक साडा जिहड़ा पिछले साल का बकाया किसानों का नहीं दिता गया, और 145 करोड़ के करीब प्राइवेट मिलों वाला है, वो भी साडा पिछला बकाया, और खासकर जिहड़ी फगवाड़ा मिल है वेद पिछले तो पिछले सीजन का 2 साल पुराना बकाया जोड़ा वो 43 करोड़ पिछला बकाया खड़ा, 7 करोड़ इस करंट पिछले सीजन जोड़ा गया वह खड़ा, 50 करोड़ केवल वो 145 करोड़ चो फगवाड़ा मिलता ही है। सो इस तरह मकेरिया का बटाया देखो, MSP दे विच जिहड़ा वाधा सरकार करदी है पहलां तां वह बहुत घट है, असी साडी डिमांड है स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक C2+50% दे नाल वाधा किया जाए, साडा जिहड़ा लागत मुल है वह तो सानू डबल प्लस करके 1.5 गुणा दिता जाए। सो वह सानू जिहड़ा सरकार है पहलां तां वह नहीं दे रही, MSP पूरी नहीं दे रही। दूजी गल जिहड़ी अनाउंस करदे MSP वह भी नहीं मिलती, वह तुसीं वेख लो भई असीं मैं खास करके क्योंकि असीं दिल्ली के मोर्चे ते सी, तां जिहड़ी दिल्ली की मंडी नरेला मंडी है किसे टाइम एशिया की नंबर 1 सी, इस बार करंट सीजन कणक के सीजन से उत्थे जिहड़ी कणक है वह 1740 रुपए की बिलिंग विखाई सी, जबकि 1975 जिहड़ा वह MSP सी। सो इस करके यही साडी लड़ाई चल रही है दिल्ली दीआं बरूआं ते, इस करके बैठे हाँ भई MSP नरेंद्र मोदी जी कहिंदे MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, पर कित्थे MSP? सानू साडी मक्या देख लो, पंजाब दे विच रुल रहा मक्के ते की हाल है, साडी MSP 1840 रुपए रेट है वह, पर वो सानू मिल के ना रहा 800 रुपया 900 रुपया। सो MSP कित्थे है? इसी तरह सूरजमुखी का रेट है जिहड़ा 5700 रुपया MSP है, पर वह सानू मिल की रहा 3200 3300 रुपया, कित्थे MSP? इस करके ये सरकार जिहड़ियां ये रौला पाउंदियां ने MSP कितें नहीं मिल रही। जी तुसीं ये वेखो, बड़ी शर्म की गल है कि 32 रुपये 80 पैसे जिहड़ा टैक्स है वह सेंटर गौरमेंट का, 31 रुपये 90 पैसे जिहड़ा वह स्टेट गौरमेंट का, 31 रुपये 90 पैसे जिहड़ा टैक्स पा रहे हैं डीजल के उपर, ये वाधू बोझ पाया होया। पंजाब सरकार चाहे च रिलीफ दे सकती है, किसानों रिलीफ दे सकती है, जिन्हें आम पब्लिक नूं भी रिलीफ दे सकते हैं, पर सरकार जिहड़ी है वह हुण इत्थे आ गई कि अपनी इनकम का सोर्स ही नहीं बना लिया
कि डीजल ते पेट्रोल ते टैक्स लाओ ते साडा रेवेन्यू इत्थों इकट्ठा होना है, इस करके वो टैक्स वड्डे करते इन्हां ने। निर्मला सीतारमण दा बयान भी आया है कि जदों यूपीए सरकार सी उन्होंने जो बॉन्ड भरे हुए उसके करके जो रेट जो है वध रहा है। ये बिल्कुल सरकार ए कर दियां एक दूजे ते चिक्कड़ सुटदे ने, ये सरकार बड़िया दहाड़ा मारदे सी उदों, इन्हां दे एक बाबा रामदेव आ उह लोगां नूं कहिंदा सी कि 35 रुपए तुहानूं डीजल पेट्रोल चाहीदा है कि वध रेट चाहीदा है, ते हुण अज्ज उह बाबा रामदेव बोल भी नहीं रहा। ये जे कोई बोलदा इन्हां दे अगेंस्ट तो देश द्रोही हो जांदा, तां जेकर इन्हां दे पक्ष च बोलदा नहीं बोलदा कोई वह देश भगत हो जांदा। ये तां केंद्र सरकार की पॉलिसी है। अज सब तो वध अगर पीड़िया तो इस सरकार ने पीड़िया, नोटबंदी ला लो और टैक्स बढ़ाते डीजल तो पेट्रोल से टैक्स बढ़ाते, रसोई गैस तो डबल रेट करता, 840 रुपए सिलेंडर तुहाडा करता, 866 रुपए शायद 866 रुपए सिलेंडर करता। कहने का भाव है भी वो जो 300 रुपये 350 रुपये का सिलेंडर से अज वो कितने पहुँच गया। ये सरकार लोगों को झूठ बोलती है, ये बीजेपी का एक वैसे एक फंडा आ भी झूठ बोलो, उन्हें बार बार बोलो, उन्ना चिर बोलो जिन्ना चिर लोग सच ना मान लैन। ये झूठी सरकार है तो झूठी पार्टी। लगातार मीटिंगां होईयां किसान जथेबंदियां दे नाल केंद्र सरकार दीआं, हले तक सिट्टा नहीं निकलिया, पर नरेंद्र तोमर भी कह रहे काला कुछ नहीं हैगा, तुसीं इहनूं किदां देखदे हो? ओ मैं पहलां कहा कि ना ये झूठ बोलण च इन्हां नूं महानता, इन्हां नूं तां तमगे मिलने चाहीदे ने। जे कितें कंपीटीशन हो जाए वर्ल्ड दे विच भई सब तो झूठी सरकार कहड़ी है, तो नंबर वन ते आउणगे, क्योंकि नरेंद्र तोमर जी ने आप प्रपोजल भेजी सी सानू जदों साडियां उन्होंने वार्ता हुई मीटिंग हुई, उन्होंने सानू नौ क्लॉज लिख के भेजे भी असीं आ विचों कढ दिंदे आ, तो फिर वो की सी काला ही सी, वो आप मन के फिर मुकर जांदे ने। फिर सानू इन्होंने कहा पोल्यूशन बिल नहीं लियावांगे, उतों मुकर गए, इलैक्ट्रिसिटी बिल नहीं लियावांगे, उतों मुकर गए। तो झूठे ने, ये तो झूठ बोल के सत्ता हासिल कर ली, पर अज लोगों को पता लगना चाहिए भी ये किन्ना कु झूठ बोलते हैं। बिल्कुल मैं उन्होंने भगतों भी कहांगा जोड़े मोदी भगत बने हुए ने, वो वीरो कितने अकल में हाथ मारो, इन्होंने बेचता देश सारा। तुम वेख्या होगा पिछले वट्सअप से आया कि जोड़ा महाराष्ट्र के अडानी एयरपोर्ट लिखता, वो साढ़े शिव सैनिक वीर ने जाके उन्होंने तोड़िया सारा, जो उन्हें तोड़िया भी इतने महाराणा प्रताप के नाते शायद एयरपोर्ट भी उन्होंने कहा साढ़े जेने महाराणिया के नाते एयरपोर्ट के नाँ लिखे वा वो अज अडानी एयरपोर्ट होगी। ये अज अन्ने भगतों समझ लेना चाहिए कि भाई ये पूरा देश बेचता ने रेलवे ट्रैक, तुहाडे रेलवे ट्रेना बेचतिया, LIC के शेयर बेचते, तुहाडी एयरपोर्ट बेचते, हुण रह की गया बाकी, पूरा देश बेचजू फिर जागोंगे। इस करके भाई हुण जाग जो, इनू चलता करो ते अपने देश नू संभालिए, अज देश नू संभालने की लोड़ है। नहीं बिल्कुल नहीं, हजे साडा मुख अजेंडा जिहड़ा वो यही है कि तीनों खेती कानून रद्द कराने ने, MSP ते लिखित गरंटी कानून आना, सत्ता के बदलाव की साड़ी कोई गल नहीं, सिर्फ इस करके विरोध है BJP का, क्योंकि ये ना किसी किसान की ना मजदूर की ना आम वर्ग की किसी की बाँह नहीं फड़ रहा, ये सिर्फ पैसे कट्ठे करने हो गए। इन्हों की इनकम अपनी पार्टी की चेक करके वेख लो अंकड़िया, वो कितने कई 100 करोड़ हो गई है। इस करके ये लोग जिहड़े ने ये देश नूं बेच जाणगे, इस करके साडी लड़ाई इन्हां नाल है, केवल भई BJP भजाओ देश बचाओ, होर जिहनूं मर्जी वोट पाओ, साडा कोई लैणा देणा नहीं। अलग नहीं हैगे चुनूनी साहब, साडी हुण पिछली मीटिंग साडे नाल सी, संयोग दी मीटिंग दे विच साडी हुण 13 तरीक नूं मीटिंग हुई, उहदे विच बैठे सन, उह आए सन, और उन्होंने अपना बयान भी वापस लै लिया। उन्होंने कहा कि मैं कितने नहीं कहा भी मैं मुख्यमंत्री बनना, मेरा कितने नहीं मन भी आप इलैक्शन लड़नी, वो बिल्कुल संयुक्त मोर्चे के नाल ने, कोई ऐसी गल नहीं। ये माड़ा मोटा साढ़े उत्थे बत्तियां दे विच जां संयुक्त मोर्चे दीआं जो मीटिंगां चलदियां वो एक दूजे नाल माड़ी मोटी तकरार हुंदी आ, पर असीं उहनूं बैठ के समेट लिया एक परिवार की तरह। अज जिहड़ी आ उह देश की जावर सरकार नाल लड़ाई आ, आपसी साडी कोई लड़ाई नहीं।